लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रचंड बहुमत मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोलघर चेतना तिराहे पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। रणजीत राय ने कहा कि आज देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर जनादेश देकर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। इसी उत्साह को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े ने कहा, रणजीत राय क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र। आज देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देके जनादेश देके दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। इसी उत्साह को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोरखपुर महानगर के गोलगढ़ चौराहे पे अपने नेता के दोबारा प्रधानमंत्री पे उत्साहपूर्वक एक दूसरे को मिठाई खिलाने का काम कर रहे हैं, पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में मुझे लगता है 35 साल के बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गोरखपुर में हमारे सांसद के रूप में रवि किशन जी यहाँ के सांसद बन रहे हैं। इस नाते युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इन बातों को लेकर बेहद उत्साही हैं। इस नाते युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने खुशी का इजहार चेतना तिराहे पे करने का काम कर रहे हैं।